अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक एडवोकेट सिविल 3D के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ क्रॉस सेक्शन बाय यूजिंग ऑफसेट एंड एलिवेशन इन एडवोकेट सिविल 3D। के हमारे साथ एक डेटा है कि उसमें एलिवेशन है और ऑफसेट है, जो कि ऑटो लेवल या ऑटो स्टेशन MLM के ज़रिए से लिया गया है। इस पे सिविल 3D में कैसे क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे, इसके बारे में मुझे बहुत से कमेंट्स किए दोस्तों ने और व्हाट्सएप में भी रिक्वेस्ट किए कि इस पे एक वीडियो बनाओ कि इस पे ऑफसेट और एलिवेशन पे सिविल 3D पे कैसे क्रॉस सेक्शन ड्रा किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आपको बरवक्त पहुँचाए। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये इधर मेरे साथ एक डेटा है जो कि नोटपैड पे में सेव है मेरे साथ, क्रॉस सेक्शन का। इसका फॉर्मेट कुछ इसी तरह है, याद रखना ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना पड़ेगा इसको, जैसे कि मैंने सेव किया हुआ है। ये देखिए मेरे साथ ज़ीरो चेंज है, इसका ऑफसेट है और ये एलिवेशन है। इसको एक्सेल में सेव करके एक्सेल में उधर एक्सेल से इधर पेस्ट किया, इसमें सेव किया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो इसमें क्या है, इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा 0, फिर उसके बाद जो ऑफसेट है, फिर कामा, फिर एलिवेशन। इसी तरह ये ज़ीरो जितना भी आपका इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्यों जिधर तक आपका ज़ीरो चेंज चलेगा तो उधर एक सिर्फ ज़ीरो लिखना पड़ेगा। सही है, सिंपल एडवोकेट में तो ये होता है कि 0+0 0 इसी फॉर्मेट में होता है। सही है, इसमें सिर्फ जो चेंज होगा उसी तरह लिखना पड़ेगा। दूसरा भी 25 स्टार्ट होगा तो 25 में ये ऑफसेट है और ये एलिवेशन है। सही है, फिर 25 25। तो इसी तरह सही है, मेरे साथ 75 मीटर तक मेरा एक डेटा है मेरे साथ। सही है, इस पर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँगा। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलिए जाते हैं उसके। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट कर दूँगा। सही है, एलिमेंट में जाऊँगा, एलिमेंट क्रिएशन टूल पर जाऊँगा और इधर से एलिमेंट को कोई भी नाम दे दूँगा। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 दे दिया और इधर से ओके कर दूँगा। सही है, इधर से टेंजेंट नोकर पे जाऊंगा और इधर से 75 एंटर कर दूंगा। सही सही है, तो मेरे साथ ये 75 मीटर का एलिमेंट ड्रा हो गया। सही, इसका स्केल थोड़ा छोटा करते। सही, ये देखिए फ्रेंड 75 मीटर का एलिमेंट ड्रा हो गया। सही, अभी इसका ये चेन जो है अभी इसको बाद में सेट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके हम अपना फाइल को जो है मेरे हमारे साथ पड़ा हुआ इसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट में जाएंगे और इधर आके क्रिएट पॉइंट एलिमेंट में जाके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। सही है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से अपना फाइल जिधर भी सेलेक्ट किया होगा उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। सही है, अभी इधर नीचे देखिए, नीचे बता रहा है हमारे साथ ये नीचे क्या बता रहा है, सबसे पहले स्टेशन कॉमा ऑफसेट, 2 नंबर है स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। हमारे साथ 2 नंबर पे है जो है इस तरह फॉर्मेट है हमारे साथ, स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन ये फॉर्मेट है हमारे साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को एंटर करेंगे। सही है, अभी ऑप्शन आ गया 1 नंबर स्पेस और 2 नंबर कामा, तो हमारे साथ कामा यूज़ किया है तो हम 2 नंबर एंटर करते हैं। सही, क्योंकि हमने स्पेस यूज़ नहीं करे, हमने कामा यूज़ किया तो हम 2 एंटर करेंगे। अभी नीचे बता रहा है एलिवेशन, तो इसको भी एंटर कर देंगे और फिर दोबारा एंटर कर देंगे। अभी देखिए बता रहा है नीचे क्या बता रहा है, सेलेक्ट एलिमेंट, तो हम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और तो देखिए फ्रेंड ये ऑटोमेटिक ड्रा हो गए सारे पॉइंट। सही है, लेकिन ये पॉइंट जो है हमारे साथ ये 25 25 मीटर पे है, उधर डेटा जो है हमारे साथ 25 25 मीटर पे है। सही है, देखो 25 मीटर है। सही,
इस तरह 50 पेंट, तो हम और हमारे साथ 11 जो है 11 में देखे ये 2020, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको 11 को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट 11 लेवल में जाएंगे और इधर से ये 20 को 25 कर देंगे, सही। इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिए फ्रेंड ये ऑटोमेटिक 25 पे हो गया। अब इसके बाद हम इसकी सर्फिसिंग करेंगे, सर्फिसिंग के लिए क्या करेंगे, सर्फिस पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट सर्फिस पे क्लिक करेंगे और इधर से सर्फिस को कोई भी नाम दे देते, फॉर एग्जांपल सर्फिस 5, इधर से इसको थोड़ा कम कर लो, सही, ओके करो और इसको भी ओके करो, सही, और इधर से अलाइनमेंट को सर्फिस को ऐड करो, सर्फिस डिफिनीशन पॉइंट ग्रुप पे राइट क्लिक करके ऐड करो और 11 अप्लाई एंड ओके, सही। ये हमारी सरफेस ड्रा हो, इसके बाद हम सिंपल लाइन करेंगे, सिंपल लाइन पे क्लिक करेंगे और एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको फिनिशिंग ग्राउंड कर लेंगे, ओके करेंगे और इधर ओके कर देंगे, सही। अभी इधर क्लिक करेंगे, बाय रेंज स्टेशन पे क्लिक करेंगे और इधर ये देखिए हमारे साथ ये वेट थे 20 20, अगर हमारे रोड का वेट ज़्यादा हो 30 हो तो हम 5 4 कर 50 भी कर सकें, जितना वेट तो होगा उसके हिसाब से हम इसको, हम इसी 20 ही रखना चाहते हैं, सही। अब इधर इसको हम 25 कर लेंगे, ये चेंज, सही, 25 और 25, सही। नीचे आएंगे ट्रेन स्टार्ट, इसको भी ट्रू कर लेंगे और ट्रेन एंड, इसका क्या मतलब है, ये हम इसका ये ऑप्शन है कि हमें फर्स्ट चेनिज पे भी क्रॉस सेक्शन दिखाओ, लास्ट पे भी दिखाओ, सही है। इसके लिए हमने ट्रू कर, इसको ओके करेंगे, देखिए फ्रेंड तो लग, इसको सिंपल एंटर करेंगे, देखिए स्टार्ट और फर्स्ट पे लग गया दोनों सेकंड पे, सही है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, जाएंगे सेक्शन व्यू पे, सही है, सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू इस पर क्लिक करेंगे और इधर से नेक्स्ट करेंगे, सही है, फिर नेक्स्ट करेंगे अगेन, अगेन नेक्स्ट, सही, नेक्स्ट, और इधर इधर पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये फिनिश ग्राउंड है, इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड कर लेंगे, ओके कर लेंगे और इसको भी फिनिश ग्राउंड कर लेंगे और लेबल सेट पे क्लिक करके इधर से मेजर एंड माइनर को ऑफसेट को सेलेक्ट करेंगे और इधर से एडिट में जाएंगे, हमें ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे और इधर से ग्रेड ब्रेक ऐड करेंगे, ग्रेड ब्रेक इसलिए ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे ताकि हमें जितने भी जिधर जिधर ग्रेड पॉइंट लिए गए सब ग्रेड पे हमें एलिवेशन शो कर दे, सही है। और इधर ये वीडिंग है, वीडिंग को ये 100 इधर से बाय डिफ़ॉल्ट 100 सेट है, इसका मतलब ये है कि हर 100 मीटर के बाद हमें ये एलिवेशन देगा और 100 मीटर के अंदर अंदर जो आएगा तो वो एलिवेशन नहीं देगा, तो हम इधर बाय डिफ़ॉल्ट 101 कर लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ओके अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, सही है, इसको भी ओके कर देंगे, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे और इधर से मेजर एंड स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, सही है, और हमें ईजी एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन नहीं चाहिए तो इसको इधर से इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें इनके लेवल सारे ऑफ कर, हमें ये नहीं चाहिए, सही है, अगर चाहिए होते तो फिर इसको भी ऑन कर सकते, ऑन करेंगे तो ये शो हो जाएगा उधर सेक्शन में, सही, ये इस तरह फॉर्मेशन ग्राउंड शो करेगा और ये ऑफसेट शो करेगा और क्रिएट सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सेक्शन अभी रेडी है, ये तैयार हो गए, सही। अभी देखिए ग्रेड ब्रेक हमने इसलिए किया, देखिए जिधर जिधर भी ग्रेड आ रहा है उधर एलिवेशन शो कर दिया, अगर हम ये उधर से शो नहीं करते तो फिर ये इधर ग्रेड ब्रेक पे शो नहीं करता, सही है, तो इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन शो होते हैं। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये 2020 इसको कम करते हैं, सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट सेक्शन व्यू में जाएंगे और इधर से ग्रेड है ग्रेड पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और इधर से 5 मीटर कर देंगे, सही है, और इसको 2.5 कर देंगे,
अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, सही है। तो इसी तरीके से हम क्रॉस सेक्शन ड्रा कर सकते हैं जो हमारे साथ साइड में ऑटो लेवल से डेटा लिया हुआ हो या एमएलएम से किया हुआ हो, सही है। तो इसी तरीके से हम ऑटोकैड सेवल 3D में ड्रा कर सकते हैं, सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।